इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप तमाम को शब बारात की पुरखलुस मुबारकबाद। वैसे अक्सर लोगों को 31 मार्च यानि मार्च एंड की फिक्र ज़्यादा दिखाई दे रही है। ज़्यादातर ताजिर हजरात के मुंह से हमने यही सुना कि मार्च एंड का काफ़ी टेंशन है। अफसोस कि हमें उससे ज़्यादा फिक्र शब बारात की होनी चाहिए थी, क्योंकि इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमारे नामे अमाल पेश किए जाते हैं। तमाम जहानों के बादशाह के सामने हमारा हिसाब किताब होने वाला है। इससे भी ज़्यादा परेशान हमने मार्च एंड को लेकर आवाम को देखा। खैर, 14 और 15 शाबान के दरमियान की रात को शब बारात कहा जाता है और अक्सर हमारे नबी शाबान में रोज़ रखा करते थे और दुआ किया करते थे कि या अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दे और आगे रमज़ान आ रहा है वहाँ तक पहुँचा। खैर, हमने यही सुना और पढ़ा है कि यह मगफिरत की रात है, पर 5 लोगों की मगफिरत नहीं होती, जिसमें पहला मुशरिक जो शिर्क करता है, तो दूसरा कीना कपट रखने वाला, तीसरा तकब्बुर यानी घमंडी, चौथा नशा करने वाला शराबी और पांचवा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। शब बारात बहुत ही अहम रात है जिसमें सभी को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। महज इस रात में बहुत रो धोकर दुआएं करने से भी ज़्यादा हर रोज़ अगर अल्लाह की तरफ हम मुतवज्जे हो जाए, और इसकी आदत हम सबको बना लेनी चाहिए। अक्सर बेलगाम वालों का मामला यह देखा जाता है कि महज बड़ी रात के नाम पर मस्जिदों में तो गिने चुने अफराद ही बैठे रहते हैं और बाकी सड़कों और कट्टों पर उसी तरह की मजलिसें सजाए बैठे रहते हैं जैसा हर रोज बैठते हैं। शायद कोरोना के मद्देनजर आज कुछ अफराद मस्जिद में बैठ जाएंगे, उम्मीद कर सकते हैं पुलिस इंतजामिया को डर कर ही मस्जिद में बैठेंगे, वरना तो हमारा ये मामूल है कि मुबारक रातों में भी हम बाजारों तफरी के आदि हो चुके हैं। यह तमाम इस्लामी तालीमात इसलिए है कि हम हर बात को, हर मामले को अल्लाह की तरफ रुजू करें। असल में तमाम मसले जो आज दरपेश हैं, इसकी असल वजह यह है कि हमारे दिलों में अल्लाह, उसके रसूल, आखरत का डर नहीं रहा। महज कुछ रस्म है जिसे अदा करते रहते हैं। अब रमज़ान भी दरपेश है, उससे पहले क्या कोरोना के मद्देनज़र हुकूमत के फैसले क्या होंगे, ये भी अहम है। और अगर मान लो कि बाजार खुल भी गए तो रमज़ान को नेकियों के सीज़न से भी ज़्यादा इस रमज़ान में कितना रुपया कमाना है, इस पर ज़्यादा नज़रें होती है और रोज़ेदारों की कैफियत भी अजीब होती है। अक्सर यह देखा जाता है और ख़ासकर नौजवानों में सुबह सहरी इतनी तगड़ी करते हैं कि जोहर असर के बाद ही जाग जाते हैं और फिर इफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं। कहने का मतलब, जिस रूहानी तरबियत से रमज़ान महीना गुजारना है नहीं गुजारते, और फिर हमें शिकायत है कि मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। हमने अपने आप पर कितनी ज़्यादती की है, इसका कौन एहतसाब लेगा। अल्लाह तो तुम्हें जंगजू जरूरतमंद बनाना चाहता है, भूख प्यास से गुजार कर एक आजमाइश के रास्तों के जरिए तुम्हें मर्द मुजाहिद बनाना चाहता है, पर हमने इसके असल रूह से किनारा कशी कर लिए। जाहिर है, जब कौम ऐश परस्ती और नाफरमान होती है तो जिलत भी इसका मुकद्दर बन जाती है। तुम्हारे रोजे सहर इफ्तार की अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी जान और माल को जन्नत के बदले पहले ही खरीद लिया है, तुम्हारी जानों का सौदा पहले ही हो चुका है। बहरहाल, शब बारात की संजीदगी महज एक दिन की ना हो, बहुत खतरनाक हालात से उम्मत को गुजरना है, खासकर अगर इस मुल्क की बात करें तो हम बिल्कुल लापरवाह। खैर, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, पर हमने जो भी थोड़ा बहुत सुना और पढ़ा है उसी बुनियाद पर कुछ कहने की ये जरूरत करते रहते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं, वरना तो अक्सर मस्जिदों में बारह बयानात भी होते रहते हैं जिस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ कहने सुनने में गलती हुई हो तो माफ़ी। आज की रात कोशिश करें कि किसी भी मुसलमान से कीना कपट दुश्मनी बुग्ज ना रखते हुए महज कौम की बुनियाद पर, एक कौम एक मिल्लत की बुनियाद पर उसे माफ़ करें। किसी भी मुसलमान से हम कतई ताल्लुक ही न रखें। आपसी मोहब्बत भाईचारे की जितनी भी हो कोशिश करें, मोमिन भाई से क्यों दुश्मनी करें। क्या पता कि हम आज सोए हुए हैं और बाजार में हमारा कफन का कपड़ा पहुंच चुका हो। लिहाजा शब बारात के मौके पर हम एक दूसरे को माफ करें, एक उम्मत बनने का अहद करें। एक बार फिर आप सभी को शब बारात की पुरखलुस मुबारकबाद। बेलगाम लोकसभा चुनाव को लेकर मामला कुछ अलग ही सिमत में जाता नजर आ रहा है। यह कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली के लिए तो बतौर इम्तिहान साबित हो रहा है। कांग्रेस रियासती सदर डीके शुकुमार और रमेश जारकीहोली के बीच अल्फाजी जंग जारी है, पर अब यह मामला शिद्दत इख्तियार करते देखा जाए। रमेश जारकीहोली सीडी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करने से गिरफ्तार करने तक की मांग डीके शिवकुमार ने की, तो रमेश जारकीहोली और हिमायतियों ने
डीके शिवकुमार का इस्तीफा मांगते हुए पार्टी से निकालने का मुतालबा किया। बरोस पीर सतीश जारकिहोली अपनी उम्मीदवारी दर्ज करने वाले हैं, लिहाजा इसी पस मंजर में डीके शिवकुमार बेलगाम तशरीफ ला रहे। गोकाक में डीके शिवकुमार को बेलगाम में आने न दिया जाए ऐसा मुतालबा और एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों रमेश जारकिहोली हिमायतों ने इसमें शिरकत फरमाई और डीके शिवकुमार के खिलाफ नारेबाजी फरमाई। हवाई अड्डे पर जब डीके शिवकुमार को पूछा गया कि क्या बेलगाम जाने से आपको रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि रमेश जारकिहोली मुझे रोक नहीं सकते और रमेश जारकिहोली ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली के लिए अब कई मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा है, एक तरफ भाई है तो एक तरफ पार्टी के सदर है। गोकाक में एहतजाज काफी हद तक तशद्दुद में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। वाज़ह रहे कि गोकाक गांव में जारकिहोली खानदान का तसल्लुत काफी है और गोकाक गांव इनकी हिमायत में ही है, चाहे रमेश जारकिहोली है सतीश जारकिहोली हो। लिहाजा अब डीके शिवकुमार का सीढ़ी गर्ल की हिमायत में आना रमेश जारकिहोली की मुसीबत में इजाफा कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाजपा के भी कुछ लोग रमेश जारकिहोली की मुखालिफत में है और किसी तरह इनके सियासी मुस्तकबिल को खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसी बात है, कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। वही दूसरी ओर अगर गिरफ्तारी अमल में आती है तो रमेश जारकिहोली हुकूमत को भी गिरा सकते हैं क्या, ऐसी बात भी कही जा रही है। सीढ़ी मामला साजिश तो है पर इसमें रमेश जारकिहोली का सियासी करियर दांव पर लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवारी सतीश जारकिहोली को देखकर एक तीर में क्या दो निशाने मारने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा कांग्रेस उम्मीदवार के नॉमिनेशन के लिए डीके शिवकुमार बेलगाम आ रहे हैं, जिसे लेकर रमेश जारकिहोली हिमायतों की जानिब से एहतजाज किया गया और इस्तीफे की मांग की गई। बेलगाम आने न दिया जाए ऐसा इनका मुतालबा रहा। कहीं ना कहीं यह सियासी उथल पुथल का मरकज बेलगाम शहर रहा है। पीएलडी बैंक चुनाव से लेकर सीढ़ी मामले तक की कड़ियां बेलगाम से ही जुड़ती दिखाई दे रही है, जहां कोरोना मरीजों के बढ़ने की बात इंतजामिया कर रही है। अवामी इजलासों में मिकदार तय की जा रही है पर सैकड़ों की तादाद में एहतजाज में शरीक होना या फिर सियासी इजलासों में भीड़ को इकट्ठा करना हुकूमत या इंतजामिया या पुलिस महकमा के लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े लीडरों पर कानून या किसी तरह की गाइडलाइन की बात करने से अफसरान अक्सर कतराते देखा जाता है। यह भी उतना ही सच है। जानिब से मुफ्त यूनानी मेडिकल चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया। सलाम हर्बल और लाइफर्स के इश्तराक से मरीजों की वाजिब दामों में दवाइयां फराहम करने का दावा इन्होंने किया। डॉक्टर ओबेदुल्ला अंसारी ने कहा कि अगर गरीब जरूरतमंद अफराद आते हैं तो इन्हें मुफ्त भी दवाइयां दी जा सकती है। सलाम हर्बल खड़े बाजार लश्कर वाला कॉम्प्लेक्स में है, यह मरीजों का इलाज किया जाएगा ऐसा उन्होंने कहा। एक बात लाइफर्स की जानिब से भी यह बताई गई कि सिर्फ 3 मिनट में महज
पूरे जिस्म का मुख्तलिफ अमराज का चेकअप भी किया जाएगा डिजिटल के ज़रिए, यानी कि जो मौजूदा नई जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन्होंने किया। खैर, इस पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हकीम डॉक्टर उबैदुल्ला सलाम हर्बल खड़े बाज़ार बेलगाम से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, यहाँ पे सलाम हर्बल के नाम से यूनानी आयुर्वेदिक क्लिनिक हमने 3 साल पहले कायम किया था। 26, 27, 28 को इस मंथ यानी 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च को हमने यहाँ पे फ्री कैंप डाला। माशाल्लाह, बहुत सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हम शुक्रगुज़ार हैं अकबर सर का, जिन्होंने हमको एक डिजिटल, जिनका नाम लाइफएस है, उनके साथ मिलके हमने लोगों का फ्री चेकअप किया, फ्री रिपोर्ट निकाले, उसके मुताबिक हमने 1 हफ्ते की दवा भी फ्री हमने लोगों को दिया। हम ये चाहते हैं और हमें ये खुशी, हम खुशी महसूस करते हैं कि लोग किसी भी किस्म की परेशानी, बीमारी से, अगर बीमारी में मुब्तला है, ख़ास करके बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, एनी टाइप डिसीज़ जिसे लोग मायूस हो चुके हैं, हम उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन दवा अब के जदीद तौर के मुताबिक रिसर्च करके हमने लाए हैं। मेरा नाम हकीम मोहम्मद मुइनुद्दीन है, मैं हैदराबाद से हूँ। यहाँ पर जो है बेलगाम में सलाम फार्मेसी का जो ब्रांच है डॉक्टर उबैदुल्ला साहब का, जो बेंगलुरु में एक है और यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 दिन का कैंप रहा, 2 दिन से चल रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। अब यहाँ पे और एक लाइफ फर्स्ट डिजिटल जो नई टेक्निक के तरीके से टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। तकरीबन लोगों के कल भी लिए और आज भी लिए, अच्छे रिस्पांस है और तकरीबन दवाएं भी तकसीम किए, फ्री में थोड़ी सी दवाएं भी तकसीम किए। दूसरा जो है थोड़े डायग्नोस करके जो है कुछ पेशेंटों को खास भी बोले, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकबर एमडी पटेल, माइक्रोलीला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बेंगलोर बेस्ड। हमारा एप्लीकेशन है लाइफएस। सर, एप्लीकेशन लाइफएस ऐसा है जो आज के दौर में मेडिकल के लिए हर एक को तकलीफ़ है। मामूली टेस्ट के लिए आपको दिन भर लैब को जाना पड़ता, आपका पैसा वेस्ट होता, आपका दिन भर का कमाई मुतासिर होता, जिससे आपके घर को परेशानी होती। सर, हमारी कंपनी लाइफएस एक ऐसा एप्लीकेशन बनाई है जो 3 मिनट में अपने स्मार्टफोन से अपना टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको अपने बॉडी के तारुक से पूरे जानकारी मिल जाती है, जैसे आपका हार्ट बीट है, आपका वायरल इन्फेक्शन है, आपका मेटाबॉलिक है, आपका हाजमा, आपका लंग्स है, आपका हार्ट का कंडीशन कैसा है, और आपके 24 घंटे के जो मसरूफियात है, जैसे आपको क्या टेंशन है, आपको क्या आप कितना काम किए, कितना नींद किए, ये पूरी चीज़ें आपको विदिन 3 मिनट आपको अपने मोबाइल से रिपोर्ट में मिल जाती है, जो 12 पेज की रिपोर्ट है, जिसे आप या आप मेडिकल जानकारी रखते हैं तो खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, यहाँ बेलगाम में डॉक्टर उबैदुल्ला बोल के हमारे डॉक्टर अच्छे हैं, जो लाइफएस को अच्छी तरह से जानते पड़ते, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं।